अस्सलाम वालेकुम माय डियर ऑल शाइनिंग स्टार्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में हम लोग थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन करेंगे। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ऑफ कोर्स डार्विनिज्म भी कहलाती है और ये साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन ने दी थी। इससे पहले हम ड्रॉबैक्स ऑफ लामार्किज्म करेंगे। ड्रॉबैक्स ऑफ लामार्किज्म में हमने ऑब्जेक्शंस पढ़नी है। लामार्क की थ्योरी पे कुछ ऑब्जेक्शंस आई थी जो उनकी हाइपोथेसिस के अगेंस्ट थी, तो वो ऑब्जेक्शन हमने पढ़नी है। ये याद रखिएगा कि लामार्किज्म लामार्क्स थ्योरी है, जिसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ इक्वाइट कैरेक्टर्स। ये जो इनहेरिटेंस ऑफ इक्वाइट कैरेक्टर है, ये थर्ड पॉइंट था लामार्किज्म का, और इफेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंट और यूज़ और डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन, ये दो पॉइंट थे। ये जो दो पॉइंट है ना, फर्स्ट टू पॉइंट्स हैं, ये प्रोवाइड करते हैं एविडेंस, सही है। बट जो थर्ड पॉइंट है, ये बिल्कुल अगेंस्ट है लामार्क्स थ्योरी के। सो दैट्स वाई हमने ये पढ़ना, ये जो इनहेरिटेंस ऑफ इक्वाइट कैरेक्टर है, इसी की वजह से उस पर ऑब्जेक्शन लगी थी। इसी की वजह से हम ये कहते हैं कि ये हैं ड्रॉबैक्स ऑफ लामार्किज्म। कौन कौन से ऑब्जेक्शन हैं देखें। ऑब्जेक्शन नंबर वन, जो म्यूटेशन होती है ना एज अ रिजल्ट ऑफ डिजीज, एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सीडेंट, वो कभी भी इनहेरिट नहीं होती फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन होता है डीएनए में चेंज आ जाना, जेनेटिक मटेरियल में चेंज आ जाना, उसको हम कहते हैं कि ये एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सीडेंट और डिजीज कभी भी इनहेरिट नहीं होती। पॉइंट नंबर टू था, ये आपने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा, आपने देखा होगा फीमेल्स में बोरिंग होती है, और बोरिंग ऑफ होल्स इन ईयर्स और नोज। तो ये कभी आपने देखा है कि मदर से चाइल्ड में इनहेरिट हो रहा हो? नहीं, कभी भी इनहेरिट नहीं होता। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वाइर्ड कैरेक्टर्स, ऐसा नहीं है कि सबके सब एक्वाइर्ड कैरेक्टर जो इनहेरिट वो सबके सब कैरेक्टर्स जो एक्वाइर्ड हो रहे हैं, चेंजेस इन लाइफ हैं, कैरेक्टर्स हैं जो अडेप्ट हो रहे हैं, वो ऑफ स्प्रिंग में पेरेंट्स से पास आउट होंगे, जनरेशन टू जनरेशन इनहेरिट हो रहे होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये प्रूव करता है कि एक्वाइर्ड कैरेक्टर्स कभी भी इनहेरिट नहीं होते। ऐसा नहीं है कि हर एक्वाइर्ड कैरेक्टर इनहेरिट होगा, हर अडेप्टेशन एक्वाइर्ड कैरेक्टर्स कहलाएंगी जो ट्रांसमिट होगी जनरेशन टू जनरेशन। इसको हम कहते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ लामार्किज्म। यहाँ पे सिर्फ यही लिखा हुआ है, ऑल्सो द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एक्वाइर्ड कैरेक्टर हैज नो जेनेटिक बेसिस एंड इट सीम्स दैट वेरी इन्फ्लुएंस ऑफ द सोमेटिक सेल रहता है देन द जर्म सेल्स। मैं आपको बता देती हूँ, वेस्टमैन थ्योरी थी, उसके अलावा उसके बगैर आपको ये समझ नहीं आएगा। जो चौथा ऑब्जेक्शन था, चौथा ड्रॉबैक था, वो ये था कि जो ग्रेटेस्ट सेटबैक है ना लामार्किज्म का, वो वेस्टमैन थ्योरी है, जिसको हम कहते हैं जर्मिनल कॉन्टीन्यूटी थ्योरी। ये 1892 में दी थी एक जर्मन बायोलॉजिस्ट ने। इन्होंने ये कहा था कि दो तरीके के सेल्स होते हैं, एक सोमैटिक सेल्स होते हैं, एक जर्म सेल्स होते हैं। जर्म सेल्स वो होते हैं जो आगे जाके स्पर्म और एग सेल को डेवलप कर रहे होते हैं। तो जब भी जब भी म्यूटेशन होगी या कोई चेंज आएगा जर्म सेल्स में, तो वो आगे जाके इनहेरिट हो रहा होगा फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। लाइफ टाइम चेंज आता है हमेशा जर्म सेल्स के जरिए। जबकि सोमैटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जिससे हमेशा डेवलप हो रहे होते हैं वेरियस टिश्यूज, आपके ऑर्गन्स, आपकी बॉडी के ऑर्गन्स, आपके टिश्यूज। सो दैट्स वाई जब भी कोई चेंज आएगा जर्म सेल्स में, स्पर्म में, एग में, तभी वो एक्वाइर्ड कैरेक्टर आगे जाके इनहेरिट होगा। इस चेंज को हम कहते हैं, ये है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वाइर्ड कैरेक्टर्स, और ये एक थर्ड सॉरी फोर्थ ड्रॉबैक होता है लामार्क का। है रेथर देन द जर्म सेल्स इन्वॉल्व इन इनहेरिटेंस, सो हाउ कुड बी द एक्वाइर्ड कैरेक्टर आर इनहेरिट टू द नेक्स्ट जनरेशन विदाउट अफेक्टिंग द जर्म सेल्स, एज इन फैक्ट इट इज ऑल्सो नोटेड दैट ऑर्गन्स आर नॉट मॉडिफाइड बाय द विश ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। ड्रॉबैक्स ऑफ लामार्किज्म मैंने डिटेल में पढ़ा दिया है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि आपको समझ नहीं आएगा जब तक मैं आपको वेस्टमैन थ्योरी नहीं बताऊंगी, जब तक मैं आपको ऑब्जेक्शन नहीं बताऊंगी जो इस थ्योरी पर लगी थी। आपकी बुक में नहीं है, बट फिर भी मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं डार्विनिज्म। इसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इसका इंट्रोडक्शन ये है कि चार्ल्स डार्विन एक साइंटिस्ट थे, एक इंग्लिश बायोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने एक बुक लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पीशी, जो इस्टेब्लिश हुई थी 1859 में, याद रखिएगा 1859। देन क्या हुआ था कि इस थ्योरी में इन्होंने हमें ये बताया था कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन बेस करती है नेचुरल सिलेक्शन में, देयरफॉर इट इज़ आल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का ये मतलब होता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स के पास ये डिजायरेबल ट्रेड्स होते हैं जिसकी वजह से नेचर उनको सेलेक्ट करती है फॉर इंटरब्रीडिंग पर्पज। सो दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन है, और वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास वो ट्रेड्स नहीं होते, दैट्स वाई उनको नेचर सेलेक्ट नहीं करती इंटरब्रीडिंग पर्पज़ के लिए, और वो वैनिश हो जाते हैं। सो ये थ्योरी है जो बेस करती है नेचुरल सेलेक्शन पे। यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, और ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं, बट मैं आपको बता देती हूँ कि इनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं था मेडिसिन में, दैट्स बट फिर भी इन्होंने एजुकेशन ली थी मेडिसिन और सर्जरी में।
ये ज़्यादातर इंटरेस्ट रखते थे नेचर में, सो दैट्स वाई ये कॉलेज में गए कैम्ब्रिज, एंड देन इन्होंने डिसाइड किया कि ये 5 ईयर्स ट्रिप लेंगे इन अ शिप, वोज कहते हैं समंदरी सफ़र को। और ये जो शिप थी उसका नाम था HMS बीगल, और ज़्यादातर इनका सफ़र रहा था साउथ अमरीका में। डार्विन की ज़्यादातर ट्रिप अराउंड साउथ अमेरिका थी। लाइक इन्होंने, आपको पता होगा कि पहले ज़माने में ऐसा होता था कि इन्होंने शिप पे ही गए थे, बट पहले ज़माने में आर्मी वगैरह में भी ऐसा ही होता था कि ओशियन वो सफ़र करते थे, समंदरी सफ़र करते थे, एंड देन फिर ये पता लगाते थे कि आखिर इस रास्ते से जाएंगे तो कौन सा मुल्क आएगा, इस रास्ते से जाएंगे तो कौन सा मुल्क आएगा। तो ये बेसिकली वही है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया था, एंड पहला इन्होंने जो स्टार्ट किया था अपना सफ़र वो इंग्लैंड से किया था, देन ओशियन, फिर यहाँ पे यहाँ साउथ अमेरिका लिखा हुआ है, फिर प्रोसीड अहेड क्रॉसिंग द ओशियन ऑस्ट्रेलिया, द जर्नी कंटिन्यूड थ्रू द बैक इंडियन ओशियन अप टू द केप टाउन। ये इनकी जर्नी है और इसको आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पे एक स्टार्ट होती है ऑब्जर्वेशन। आपने पढ़ा होगा, आपको पता भी है कि ये जब इन्होंने अपना सफ़र स्टार्ट किया ना, तो इन्होंने चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना शुरू किया। अभी अलग अलग डिफरेंट मुल्कों में जा रहे हैं, तो इन्होंने वहाँ पे ये ऑब्ज़र्व किया उनके डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स को स्टडी करके, कि उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस है। हर कंट्री में, हर कंट्री के एनिमल्स में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या हो सकता है? बर्ड्स के बारे में अगर यहाँ बात करें, तो इन्होंने ना फिंचेस को ऑब्ज़र्व किया था, और टर्टोइज होते हैं समंदरी कछुए, तो इन्होंने इन दोनों चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया था। इसके बाद इनको ये सिमिलरिटी मिली थी कि सिमिलरिटीज़ हैं, ये फिंचेस आइलैंड की मेनलैंड से बिल्कुल सिमिलर है, बट जो अडेप्टेशन हैं, बट जो डिफरेंस है ना इन दोनों का, वो इनकी बीक्स में है, इन टर्म्स ऑफ साइज एंड शेप, टू ऑब्टेन ईजली एंड अफेक्टिवली द लोकल अवेलेबल फूड। सो दैट्स वाई इनको ये पता चला था ऑब्जर्वेशन से कि कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस होता है अडेप्टेशन के ज़रिए। लोकली जो चेंज होता है ना एन्वायरमेंट में, लमाक में हमने पढ़ा था कि इफेक्ट्स ऑफ एन्वायरमेंट में, कि इफेक्ट होता है एन्वायरमेंट का, उसी की वजह से उनको कुछ ना कुछ अडेप्टेशंस को अडेप्ट करना पड़ता है, और फिर वो आगे जाके इनहेरिट हो रही होती है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। उसी के बारे में यहाँ पे कहा हुआ है कि आइलैंड में फिंचेस और टर्टोइज को इन्होंने ऑब्जर्व किया था। ऑब्जर्वेशन एंड कलेक्शन, डार्विन वॉज मच कन्विंस अबाउट द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एज टूल फॉर द प्रोसेस ऑफ रिवोल्यूशन, दैन फिर इनकी थ्योरी आई थी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये मैप दिया हुआ है शोइंग द जर्नी ऑफ द शीप HMS बीगल। अब वी आर टॉकिंग अबाउट द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, और इसके कुछ की पॉइंट्स हैं जिसकी बेस पे हमने ये डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को पढ़ना है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को पढ़ना है। अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, हमें ये पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग स्पीशीज आर डिसेंडेंट्स ऑफ एंसेस्ट्रल स्पीशीज, और डिफरेंट है फ्रॉम प्रेजेंट वंस ड्यू टू द एक्युमुलेटिव चेंज इन द जेनेटिक कंपोजिशन। सो पहला यहाँ पे की पॉइंट दिया हुआ है डेसेंट विद मॉडिफिकेशन, ये हमने पढ़ा भी था। डेसेंट विद मॉडिफिकेशन में हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू जिमरमैन के, जब मैंने आपको बताया था एवोल्यूशन का इंट्रोडक्शन, तो मैंने कहा था कि डेसेंट विद मॉडिफिकेशन का मतलब होता है आगे आने वाली नस्लों को हम कहते हैं डिसेंडेंट्स, और जो पिछले अबाव अजदाद होते हैं उसको कहते हैं एंसेस्टर्स। तो हमेशा जो डिसेंडेंट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं विद मॉडिफिकेशन, मॉडिफाई हो रहे होते हैं इन द ग्रेजुअल पीरियड ऑफ टाइम, और उसमें एवोल्यूशन हो रही होती है जिसकी वजह से जनरेशन टू जनरेशन अडेप्टेशंस इनहेरिट होती हैं और एवोल्यूशन अकर होती है। डार्विन्स कंसिडर दैट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड टू ईच अदर थ्रू कॉमन एंसेस्टर्स, और इसको होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन में भी हम पढ़ चुके हैं कि कॉमन एंसेस्टर्स होता है उसको हम कहते हैं होमोलोगस, और जिसके डिफरेंट एंसेस्टर्स होते हैं उसको हम कहते हैं एनालोगस। अब है नेचुरल सिलेक्शन एंड अडेप्टेशन। द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन यूजली ऑपरेट्स टू सेलेक्ट द ऑर्गेनिज्म विद बेटर एडजस्टमेंट विद देयर एनवायरमेंट। इनकी कुछ स्टेजेस होती हैं जिसके बारे में हमने पढ़ना है, ओवर रिप्रोडक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जेनेटिक वेरिएशन एंड स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस। तो ये नेचुरल सिलेक्शन एंड अडेप्टेशन का ये मतलब होता है कि कुछ स्टेजेस हैं जो इसमें हैं, अभी हमने पढ़नी है ओवर रिप्रोडक्शन के बारे में, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जेनेटिक वेरिएशन एंड स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस। ये जो प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है ना, ये ज़्यादातर ऑपरेट होता है टू सेलेक्ट द ऑर्गेनिज्म विद बेटर एडजस्टमेंट विद द एनवायरमेंट। कुछ ऑर्गेनिजम्स के पास ये बेटर अपॉर्चुनिटी होती है कि वो सर्वाइव कर सकें, रिप्रोड्यूस कर सकें दैन द इन्फीरियर वंस, और वही होते हैं जो नेचर जिनको सेलेक्ट करती है, उनके पास डिजायरेबल ट्रेड्स होते हैं जिसकी वजह से नेचर उनको सेलेक्ट करती है फॉर ब्रीडिंग पर्पज, और जिनके पास नहीं होते उनको नेचर सेलेक्ट नहीं करती, इसको हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। तो इनके पास कुछ स्टेजेस हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ को नेचर सेलेक्ट करे और कुछ को नहीं करे। पहली स्टेज है
ओवर प्रोडक्शन। देखिए आपको भी पता है कुछ ऑर्गेनिजम्स के पास ये एबिलिटी होती है कि वो प्रोड्यूस करते हैं लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। स्टार फिश की बात कर लें, कॉड फिश की बात कर लें, हाउस फ्लाई की बात कर लें, तो एलिफेंट की बात कर लें, तो ये एलिफेंट जो होता है ना ये स्लो ब्रीडर होता है। इनकी पूरी लाइफ स्पैन में 100 ईयर्स में प्रोड्यूस करते हैं 6 ऑफ स्प्रिंग, जबकि सिंगल जो कॉड फिश होती है वो ले करती है 5 to 7 million एग्स इन अ सिंगल सीजन। सो ये क्या है, ये ओवर रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, इनकी ओवर प्रोडक्शन है, ये प्रोड्यूस कर रहे हैं लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग। अगर ऐसा है तो आगे जाके जब तक वो मेच्योर नहीं हो जाते, सेक्शुअल मेच्योरिटी और एबल टू रिप्रोड्यूस तक नहीं पहुँच पाते, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक ही स्पीशी के बहुत सारे ऑर्गेनिज्म और बाकी तो ख़त्म हो गए। ऐसा नहीं होता ना, कुछ ना कुछ ही पहुंच पाते हैं, कुछ ना कुछ ही एबल होते हैं सेक्शुअल मेच्योरिटी के लिए एंड एबल टू रिप्रोड्यूस। सो दैट्स वाई यहाँ पे डार्विन्स का ये मकसद है कहने का कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के पास एबिलिटी होती है कि वो प्रोड्यूस करते हैं लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग, बट ऐसा नहीं होता कि सब के सब ही मेच्योरिटी तक पहुँचते हैं। ड्यू टू लिमिटेड लाइफ स्पैन, लिमिटेड अवेबिलिटी रिसोर्सेज, ईच स्पीशीज ट्राइज टू ओवर रिप्रोड्यूस इट्स नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग बिकॉज नॉट ऑल द ऑफ स्प्रिंग सर्वाइव बिफोर रीचिंग टू द सेक्शुअल मेच्योरिटी एंड एबल टू रिप्रोड्यूस। अब है स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस, ये एक लॉजिकल रिजल्ट है ओवर रिप्रोडक्शन का, ओवर प्रोडक्शन का। देखिए आपने देखा होगा सिवियर कॉम्पिटिशन होता है फूड के लिए, स्पेस के लिए और अदर नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ के लिए, तो ये क्या है, ये स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस है। जो ज़्यादा स्ट्रगल कर पाएगा वो रह जाएगा और जो नहीं कर पाएगा वो वैनिश हो जाएगा, इसको हम कहते हैं स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस। इनकी कुछ टाइप्स होती हैं स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस की, इंट्रा इंटर एनवायरमेंटल स्ट्रगल। अगर हम एनवायरमेंटल स्ट्रगल की बात करें तो ये स्ट्रगल ज़्यादा एक्सट्रीम होता है, इसको हम कहते हैं कि ये स्ट्रगल है अगेंस्ट एक्सट्रीम एनवायरमेंट, और ये होता है एनवायरमेंटल स्ट्रगल। वो ऑर्गेनाइज्म जो सक्सीड हो गए हैं इस स्ट्रगल से कोप आउट कर चुके हैं वो रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, और जो नहीं कर पाते वो वैनिश हो जाते हैं। इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल, इंट्रा से याद रखें कि स्ट्रगल हमेशा होता है अमंग द सेम स्पीशीज, अमंग द सेम इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज, इसको हम कहते हैं इंट्रा स्पेसिफिक। जबकि जो इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल होता है ना, ये स्ट्रगल होता है अमंग द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, जैसे कि मंकी, जैसे कि कैमल, जैसे कि काउ, गोट, तो ये सब के सब क्या है, ये स्पीशीज अलग है। तो ये जो मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज के बिटवीन हो रहा है ना स्ट्रगल, इसको हम कहते हैं इंटर स्पेसिफिक, जबकि इंट्रा होता है अमंग द इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज। यह है स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस। जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन बहुत इजी है। जेनेटिक वेरिएशन में आपने देखा होगा कि एक ही पेरेंट्स के दो बच्चे कभी भी सेम नहीं होते, उनमें हमेशा डिफरेंस होता है। शक्ल सूरत का तो होता है बट फिर भी कैपेबिलिटीज़ का भी होता है। ऐसा नहीं है कि एक इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा सुपर इंटेलिजेंट होगा तो दूसरा भी इंटेलिजेंट सुपर इंटेलिजेंट होगा, ऐसा नहीं होता। उनमें हमेशा वेरिएशन होती है और इसी की वेरिएशन की वजह से एवोल्यूशन होती है। Slightly different from each other to ensure their survival and chances of reproduction. Otherwise, for example, an epidemic may sweep up to the entire group. Thus, differences of individual species are termed as variation. ये ensure करता है chances of survival को and reproduction को and ultimately the longer existence of a species as a whole. इसको हम कहते हैं genetic variation. सर्वाइवल ऑफ द फिट इज एग्जैक्टली सेम है नेचुरल सेलेक्शन के। देखिए नेचुरल सेलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ द फिट इज वही है कि वो इंडिविजुअल जिसके पास डेजरेबल ट्रेड्स होंगे, जो रिप्रोड्यूस कर पाएगा, उसी को नेचर सेलेक्ट करेगी फॉर ब्रीडिंग पर्पस, और जिसके पास नहीं होंगे उसको नेचर सेलेक्ट नहीं करेगी। तो द इंडिविजुअल और स्पीशी हैविंग द मोस्ट फेवरेबल ट्रेड्स वुड हैव ग्रेटर चांस ऑफ सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन दैन द अदर्स, इसको हम कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जिसके पास जितने अच्छे ट्रेड्स होंगे वो सर्वाइव कर पाएगा और जिसके पास नहीं होंगे वो नहीं कर पाएगा। इस होल प्रोसेस को हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन, जो प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी टू द फिटेस्ट वन टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज इज टर्म्ड एज स्पेसिएशन, और जो हम आगे पढ़ चुके हैं। तो ये थी डार्विन की थ्योरी, डार्विनिज्म थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, और इसमें हमने पढ़ा है डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में, ओवर रिप्रोड्यूस, जेनेटिक वेरिएशन, स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और ये जो वेरिएशन है ना यही हेरिडिटी होती है। जेनेटिक वेरिएशन का मतलब है वेरिएशन एंड हेरिडिटी। तो ये पहली बुक में हेडिंग थी वेरिएशन एंड हेरिडिटी, अब की बुक में न्यू बुक में है हेडिंग जेनेटिक वेरिएशन। सो बिल्कुल भी वरी मत होइएगा। ड्रॉबैक्स थी, ड्रॉबैक्स ये थी कि इन्होंने कॉजेज ऑफ वेरिएशन नहीं बताई थी कि आखिर वेरिएशन होती कैसे। इन्होंने ना तो ये एक्सप्लेन किया था कि ये जो वेरिएशन है ना ये कैसे आती है, क्यों हार्मफुल होती हैं, ये क्यों यूज़फुल होती हैं, इन्होंने जीन्स के बारे में नहीं बताया था। ना तो इन्होंने ये बताया था कि जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं इनकी प्रेजेंस किस लिए ज़रूरी है। वेस्टिजियल ऑर्गन आपने पढ़े होंगे शायद आपकी बुक में, मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया, बट कुछ वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं जिनका कोई काम ही नहीं है बट वो फिर भी जनरेशन पास आउट हो रहे हैं।
सो दैट्स वाई यहाँ पे ये कहा था कि इन्होंने बताया नहीं था वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में, ना तो इन्होंने ये बताया था कि अराइवल ऑफ द फिटेस्ट कैसे होती है। सर्वाइवल तो बता दिया कि जिनके पास डिजरेबल ट्रेड्स होते हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं, बट अराइवल कैसे आते हैं वो एक्सप्लेन नहीं किया था इन्होंने। तो ये कुछ इनके ड्रॉबैक्स थे जिसके बारे में हमने पढ़ा था, और ये आपकी बुक में नहीं दिए हुए। और एक और भी था कि इन्होंने ये नहीं बताया था कि हेरिटेबल और नॉन हेरिटेबल वेरिएशन आखिर डिफरेंस क्या है इन दोनों में। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थी, कुछ ऑब्जेक्शन थी लमार्क्स पे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आइडियाज करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू।